एक बार माहौल बनाए, अब तो माहौल बनना चाहिए। सैयद हयात साहब आप आओ, आप भी यहाँ पर। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। खुशबू है दो आलम में तेरी ये गुले चीदा, खुशबू है दो आलम में तेरी ये गुले चीदा। किस मुंह से बया हो तेरे औसाफे हमीदा, खुशबू है दो आलम में तेरी ये गुले चीदा। किस मुंह से बया हो तेरे औसाफे हमीदा। ए हादी ए बरहक, ए हादी ए बरहक, तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़कर है तेरे लब से सुनीदा, दीदा से भी बढ़कर है तेरे लब से सुनीदा। अब वो घड़ी जिस घड़ी का हमें और तशरीफ लाए और अपनी जो है रसम अदा करें। नारे तकबीर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मीलादुन नबी, जश्न ईद मीलादुन नबी। जलसाए खैरुल बशर, जलसाए खैरुल बशर। सैयद ताहिर सिरा साहब तुगला की शालपोशी करते हुए हमारे इकबाल रब्बानी साहब। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे रिसाल। अल्हम्दुलिल्लाह शहर के जो मिलादुन नबी कमेटी है, 15 साल से शायद ये 15वां जलसा है जो हमारे बड़े अब्बा जान हजरत सैयद शाह मोहम्मद अब्दुल कादरी शुतारी यमनी नवरुल्लाह हमारे पदों ने ईजाद किया था जी। जलसा 30वां और जुलूस 15वां हुआ है। ये मिलादुन नबी कमेटी की जानिब से 15वां प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़वा हमारे जो कमेटी बनाए थे, जिनको चुने थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक भी अल्लाह के फजल से बरकरार है। उसमें से कोई एक भी नहीं गए और अपनी जिम्मेदारी समझकर घर बार को छोड़कर पूरा दिन जो है 12 दिन पूरा दिन छोड़कर यही काम में लग जाते हैं ये जलसा मिलादी मुस्तफ़ा मनाने के लिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी जो है परेशानी को दूर करे, उनके मुश्किलात को आसान करे, उनको हर कदम में कामयाबी अता फरमाए, उनको अल्लाह ताला घर में बरकतें अता फरमाए। और मैं नकीब जलसा को दावत दूँ कि वो मेहमान मुख्तलिफ को दावत दी, ये मुझे दावत देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब एक बार आप नारे तकबीर और रिसालत लगाएं, उसके बाद जिस घड़ी का इंतजार हमें बहुत दिनों से, बल्कि तकरीबन 1 साल से मनोवर भाई के आए थे, लेकिन बदनसीबी से मैं कड़पा गया हुआ था, मैं सुन नहीं पाया था। बहुत ही खुशी की बात है, मैंने बाद में सुना था कि अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन, बेहतरीन आलिम दीन बामल और बेहतरीन खिताबत, इस्लाही खिताब और बड़ी अच्छे अंदाज में बयान फरमाते, इंशाल्लाह हमारा और आपका दिल खुश हो जाएगा। लेकिन मुझे पहले पता तो चलना चाहिए कि आप सुनने के मूड में हैं कि नहीं। इन बातों की मैं बोलता रहूं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि आप जल्दी माइक छोड़ो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अर्श आदम का वो मेहमान लिए बैठी है। अब चूंकि बराबर मैं बोलता हूँ एक बात के, ये सरकार की महफिल है और सरकार की औलाद है ना, जो इनसे बेहतर न कोई बता सकता है न दिखा सकता है, न कोई बता सकता है न दिखा सकता है। देखिए हमारे पीरे तरीकत जमाले मिल्लत है ना, तशरीफ फरमाए, हमारी और आपकी देखी हुई सूरत है ये, और बड़ी प्यारी अनोखी सूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नेक बंदों को, रसूलुल्लाह की औलाद को जब हम देखेंगे तो हमें है ना रसूलुल्लाह की और खुदा की याद आती है। अब मैं बिला तमहीद बिला ताखीर
जिस घड़ी का इंतजार सबको है, हमें भी है, आपको भी है, उस घड़ी को मैं आपको ज्यादा इनसे दूर नहीं रखूंगा या आपसे इनको ज्यादा दूर नहीं रखूंगा। मैं बिल्कुल मुख्तसर से वक्फे में हजरत के हाथ में माइक दे दूंगा खिताबत के लिए, और फिर हजरत रहेंगे, आप रहेंगे। मैं हजरत की बारगाह में गुजारिश करूंगा, आप औलादे रसूल हैं, आप आले रसूल हैं, आप हजरत मौला अली की औलाद हैं, आप अच्छा जानते हैं घर की बात, घर की हालात। आपका काम यह है, माइक मैं आपको दूंगा, आप हमें यहाँ से लेकर करबला तक, करबला से नजब अशरफ तक, और नजब अशरफ से मदीना तक पहुंचा दो। अब आका की बारी है, वो हमें खुदा तक पहुंचा देंगे। मैं बेला तमहीद बस इस शेर के साथ के आज किसकी महफिल है, सरकार की महफिल है, तो मैं एक दो शेर सुना देता हूँ कि आसमानों का बशर फकरे जमी बन जाएगा, आसमानों का बशर फखरे जमी बन जाएगा, हर हसीनों से बढ़कर एक हसी बन जाएगा। आज बीबी आमना की गोद भर जाने तो दो, कल ये बच्चा रहमतुल्लिल आलमी हो जाएगा, कल ये बच्चा रहमतुल्लिल आलमी हो जाएगा। अर्श आजम का वो मेहमान लिए बैठी है, कौन अर्श आजम का मेहमान कौन है? रसूल गए कि नहीं अर्श पर? खाली सात दिन बयान सुनती, आज कुछ रखते ही नहीं। अर्श आजम का वो मेहमान लिए बैठी है, यानी वो मजहरे रहमान लिए बैठी है। बीबी मरियम को मिले साहिबे इंजील, मगर आमना गोद में कुरान लिए बैठी है, आमना गोद में कुरान लिए बैठी है, आमना गोद में कुरान लिए बैठी है। रसूलुल्लाह की जात वो है, सिर्फ कुरान नहीं, कुरान भी उस जात के सदके में आया है, कुरान भी उसके सदके में। अगर मेरा रसूल ना आता तो कुरान किस पर नाजिल होता? इसीलिए कहा कि उम्मुल किताब, उम्मुल किताब आखिरी शेर में हजरत को मैक दे दूंगा। ये हमारे एक दोस्त ने कहा था कि मैक छोड़ देना, जरा पकड़े मत रहना। तो मैं आज कसम खाया था कि आज मैं मैक लूंगा ही नहीं, लेकिन वो दोस्त था इसलिए माफ कर दिया। वो कहा था माइक छोड़ देना, जब पकड़े रहो जब रात भर माइक पकड़े रहते हो, तो जब गुस्सा आया मुझे मैं माइक नहीं पकड़ूंगा, लेकिन पकड़ लिया, दोस्त था, माफ कर दिया उसको। उम्मुल किताब सीने में, बहुत उमदा शेर सुना रहा हूं मैं, उम्मुल किताब। ये आले रसूल को देख के मुझे जब जज्बा आ जाता है, मेरे अंदर ताकत नहीं कि मैं रात में 5 मिनट भी बोल सकूं, एलर्जी पेशेंट है ना। लेकिन ये नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं, जब सारी दुनिया सोती है तो ये बेदार होते हैं। नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं, जब सारी दुनिया सोती है तो ये बेदार होते हैं। मेरे सरकार के, अब जिसके जेब में पैसा है वो निकाल लो, है ना। मेरे सरकार के दोनों आइनैन, मेरे सरकार के दोनों आइनैन, आधे हसन हुसैन, आप बोलो पीछे वाले बोलो, मेरे सरकार के दोनों आइनैन आधे हसन आधे हुसैन, बी फातिमा के दिल के चैन हुसैन आधे हुसैन, क्यों रहे गिरने का डर पकड़े हुए हैं बैठकर, क्यों रहे गिरने का डर पकड़े हुए हैं बैठकर, के सुए शाहे मशरकैन आधे हसन आधे हुसैन आधे हसन आधे हुसैन। उम्मुल किताब, अब शेर के साथ हजरत अल्लामा सैयद शाह मोहम्मद, अल्लामा सैयद शाह रब्बानी साहब आमरी सकाफी को मैं दावत सुखन दूंगा के उम्मुल किताब, उम्मुल किताब सीने में, उम्मुल किताब कुरान अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मुल किताब सीने में बाहर हुसैन है, उम्मुल किताब सीने में, उम्मुल किताब सीने में बाहर हुसैन है, उम्मुल किताब सीने में बाहर हुसैन है, दोशे नबी है रहले की तरह जिस पर हुसैन है, दोशे नबी है रहले जिस पर हुसैन है, और सजदे में है तो सर फसल्ले ले रब्बी का, सजदे में है तो सर फसल्ले ले रब्बी का, गर्दन कटा के मानिए वनहर हुसैन है, गद्दर कटा के मानिए वनहर हुसैन है। और इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल कीजिए नारे तकबीर रिसालत से, नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी
अशर से खैरुल बशर। सफीरे शहर जरा धीरे चल, इस सड़क पर अमीरे शहर के बंगले पे धूल जाती है। चलने वाले जरा धीरे चलो, औलादे रसूल बैठी है। सफीरे शहर जरा धीरे चल, इस सड़क पर अमीरे शहर के बंगले पे धूल जाती है। उजाला देती है भटके हुए मुसाफिर को, जहां जहां भी हदीसे रसूल जाती है। हजरत अल्लामा सैयद रब्बानी साहब के बिला मदद लोलाली को दावत सुखन दूंगा कि आप अपने बेहतरीन अंदाज में हम तमाम साफ़ीन को महदूस फरमाएं।